भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था, जैसा कि आज भाजपा सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार पे जो है बहुत कड़ा प्रहार ये सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सूबे के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और कैबिनेट मंत्री जो हमारे श्री मदन कौशिक जी है, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त है। अभी एक जमीन का जो मामला नगर निगम का संज्ञान में आया है आपके समाचार पत्रों में, पंकज सिंघल जी के साथ में जो हुआ है, उस संबंध में आज हमने वार्ता की है और उसमें हमें SNA और मुख्य नगर अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हमने तो बहुत सख्त एक्शन ले लिया है, SIT की जांच के लिए भेज दिया है, मुकदमा दर्ज उसमें करा लिया है। तो हमने एक अगर किसी के साथ भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई जनता के साथ में, क्योंकि आज हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है जिसे मैं सदस्यता प्रमुख भी हूँ जिले का और तो भाजपा का युवा मोर्चा का, तो हम ये कहते हैं हम किसी को अगर सदस्यता बनाते हैं तो उसके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम उसे न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। नगर निगम का अगर कोई काम हो सकती आम महत्व होते इतना बड़ा मामला हुआ है एकदम उसमें हो गया तो उसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई सही। देखिए ये बात आपकी सही है, नगर 51 कानू बयान में हमारा एक मकान चला रहा है हमारी दादी के नाम है और दादी की विल के हिसाब से उसकी जो वसीयत है मेरी माताजी उर्मिला देवी और मेरी चाची मंजू देवी के नाम हुई है, रजिस्टर्ड विल हुई है 1975 में, दादी की डेथ हो गई उसके उपरांत वो उनके पास आनी थी, हम किसी कारणवश यहाँ पे छड़वा नहीं पाए, उसी के चलते जो उसके अंदर किराएदार रह रहा था सुरेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री रणधीर गुप्ता, उसके द्वारा जो है इस यहाँ पे कूट रचना करके यहाँ के अधिकारियों या कर्मचारियों जिससे भी वो मिला हो हम किसी का नाम नहीं लेंगे उनके साथ में मिलकर उसने यहाँ कूट रचना करी जिसमें मकान मालिक में उसने हमारी दादी का नाम काट के अपना लिख लिया और आगे उसकी वल्दियत लिख ली और आगे बाकायदा SNA MNA की जो भी यहाँ की स्टाफ की मोहर होती है लास्ट में उस रजिस्टर में ग्रह करके असेसमेंट जो रजिस्टर होता है उसके अंदर उस बाकायदा वहाँ पर इनिशियल साइन हुए गए और ये सब कार्य हुआ है 2019 में, उसी के चलते उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा और उस प्रॉपर्टी को उसने जो गलत सब जो लोग होते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदने में माहिर होते हैं रुपये में 15 पैसे में कोई चीज़ नहीं मिलती है वो उन्होंने उसको 100 पैसे दे के और उससे बै ले लिया, रजिस्टर्ड बै हो गया वो 4 जून 2019 को। उसके तकरीबन 15 दिन बाद हमें मोहल्ले पड़ोस से संज्ञान में ये सारा मामला आता है कि साहब आपकी तो संपत्ति का वो किराएदार बैनामा कर गया। हम लोग हरकत में आते हैं, तुरंत हरकत में आते हैं, लॉयर से मिलते हैं, बढ़िया से बढ़िया लॉयर करते हैं, SIT और इधर उधर जांच के लिए सारे लेटर्स हमारे इशू होते हैं, उसी तहत हम लोग यहाँ पे जो हमारी दादी जी के नाम चला आ रहा था उसको अपने नाम में कन्वर्ट कराने के लिए हमारे वकील साहब हमें सारे पेपर बना के देते हैं कि कम चलो जो फाइट करनी है वो तो अलग मैटर है लेकिन अब आप नगर निगम में फिलहाल अपने जो वसीयत के आधार पर जिनके नाम है उनको चढ़वाइएगा। नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कूट रचना करके वो सारा काम यहाँ फर्जीवाड़ा पूरा हुआ हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उस रजिस्टर को देखा, वो सारी चीज़ संज्ञान में आते ही पूरे नगर निगम के अंदर परसों हड़कंप मच जाता है। इसके बाद में ये अपनी जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, मेरी तो संपत्ति चली गई था, बैनामा हो गया उस पर वो लोग काबिज हैं और नगर निगम के भ्रष्टाचार से मैं तो मेरा तो परिवार सारा सदमे में। आज अधिकारियों से बात हुई? आज अधिकारियों से राजीव भाई आए, इन्होंने बुलाया, मैं आया क्योंकि इन्होंने तो मुझे आश्वस्त करके भेज दिया था कि आप जाइएगा हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस में भी FIR दर्ज इन लोगों ने कराई है नगर निगम की ओर से। राजीव भाई आए, इनके मैं कहने पाया तो अभी इन्होंने मुझे कहा जी आपका सारा मामला आपकी दादी के नाम चढ़ जाएगा फलाना, ये उसकी पुष्टि नहीं कर पा रही कि दादी के नाम तो भले ही चढ़ गया चढ़ा रहे हैं लोग लेकिन जो बैनामा हो चुका और जो इल्लीगल आदमी मेरी संपत्ति पे काफ़ी जो है मैं कैसे निकाल लूँगा, मेरे लिए कितना बड़ा जघन्य काम कर दिया है। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम तो कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हम लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं है, उस बैनामे को पहले कैंसिलेशन कराएंगे, उसका कैंसिलेशन का जो भी प्रोसीजर होगा दीवानी में जाके, और हमने सारी जगह जाँच के लिए भेज दिया है, SIT भेज दिया है, मोदी जी तक हमने लेटर लिख चुके हैं और इसके अलावा ये भी अपने स्तर से कार्रवाई करें। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था, जैसा कि आज भाजपा सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार पे जो है बहुत कड़ा प्रहार ये सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सूबे के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और कैबिनेट मंत्री जो हमारे श्री मदन कौशिक जी है, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त है। अभी एक जमीन का जो मामला नगर निगम का संज्ञान में आया है आपके समाचार पत्रों में, पंकज सिंघल जी के साथ में जो हुआ है, उस संबंध में आज हमने वार्ता की है और उसमें हमें SNA और मुख्य नगर अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हमने तो बहुत सख्त एक्शन ले लिया है, SIT की जांच के लिए भेज दिया है, मुकदमा दर्ज उसमें करा लिया है। तो हमने एक अगर किसी के साथ भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई जनता के साथ में, क्योंकि आज हमारा
सदस्यता अभियान चल रहा है जिसे मैं सदस्यता प्रमुख भी हूँ जिले का और तो भाजपा का युवा मोर्चा का। तो हम ये कहते हैं हम किसी को अगर सदस्यता बनाते हैं तो उसके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम उसे न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। नगर निगम का अगर कोई काम हो आम व्यक्ति बोलो तो इससे चक्कर काटना मतलब इतना बड़ा मामला हुआ है एकदम उसका हो गया तो उसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई सही। देखिए ये बात आपकी सही है नगर